बहुत ही अच्छी लगी मुझे फिल्म. It was very nice. It was really inspiring. Inspiring. It was very good. It was a unique movie. Very unique movie and I really like the characters. दोनों में से character कौन से अच्छे लगे? I like both of them. अच्छे गाने कैसे लगे? The gaana. Gaana like it was really. Music was really. I just love the boomer wala. Yeah, boomer was really cute. मुझे अच्छी लगी. काफी अच्छी मूवी है और जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं नितिन कक्कर वो अवार्ड नेशनल अवार्ड उनको मिला है तो मुझे अच्छी लगी. बहुत अलग टाइप की स्टोरी है. इट इज़ अ वेरी वेल मेड मूवी. ब्रिलियंट मूवी. मुझे तो कुछ खास अच्छी नहीं लगी है. ठीक है उसका डेब्यू है लेकिन इतना कुछ खास नहीं है. अट्रैक्टिव नहीं लगा उसका रोल. बहुत ही अच्छा अभिनय है दोनों का. आप जब फिल्म देखेंगे अगर आपने अभी तक देखी नहीं है तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा ये इनकी पहली फिल्म है. बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है दोनों का और इसमें मैं बहुत श्रेय उनके जो एक्टिंग कोच है सरनेम मुझे इस वक्त याद नहीं है बट उनका पहला नाम हेमंत है. मैंने टाइटल्स में उनका नाम देखा तो इसमें ज़रूर उनका बहुत बड़ा हाथ है और दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया है. हाँ दोनों डेब्यू एक्टर्स हैव डन वेरी वेल. दे हैव डन फुल ऑन जस्टिस टू देयर रोल्स. सटली प्लेड नॉट ओवरबोर्ड बट ब्यूटिफुल ब्रिलियंट. ये क्या है आर्ट फिल्म ज़्यादा लग रही है. जो बॉलीवुड का तड़का मसाला जो रहता है वो उस पर बिल्कुल नहीं है. दो गाने अच्छे हैं. ऑल ओवर क्या कहना चाहेंगे? अरे ऑल ओवर ऐसा तो बहुत स्लो मूवी है. डॉक्यूमेंट्री टाइप लग रही है. मुझे तो पसंद नहीं आई. बाकी लोगों का पता नहीं. स्टोरी लाइन उन दिनों की है जब टेक्नोलॉजी सेलफोन और इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी पर इस तरीके से धावा नहीं बोला था. जहां इंसान का इंसान की तरफ जो एक लगाव होता है एक झुकाव होता है इंसानी रिश्तों की कहानी है. और एक और चीज़ जो फिल्म बहुत अच्छी तरह बताती है कि इंसान जो है अपनी फिज़िकल अपीयरेंस से कहीं ज़्यादा मायने रखते हैं और एक इंसान की सोच के ज़रिए भी आपको एक इंसान से मोहब्बत हो सकती है. बहुत ही अच्छी प्रॉमिसिंग एक्टर्स है ज़हीर इकबाल और प्रणोतन बहल जो मोनीश बहल की डॉटर हैं. दोनों ही बहुत ही प्रॉमिसिंग एक्टर्स हैं एंड आई एम श्योर दे कैन इम्प्रोवाइज बिकॉज इट्स देयर फर्स्ट मूवी बट काफ़ी प्रॉमिसिंग है. स्टोरी लाइन ये है कि एक आर्मी ऑफिसर वो टीचर बनते हैं और वो एक नोटबुक पढ़ते हैं. वो ही हैज नेवर मेट द गर्ल बट ही फॉल्स इन लव. उनके थॉट प्रोसेस से वो इतना आकर्षित हो जाते हैं. सो टूवर्ड्स द एंड वो दोनों मिलते हैं तो आई थिंक थोड़ा और रोमांस दिखाते तो अच्छा था. गाने बहुत अच्छे. विशाल मिश्रा का म्यूजिक है बहुत अच्छा है. सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है बाय मनोज कुमार खटोई. बहुत अच्छे से कश्मीर को कैप्चर किया गया है और एडिटिंग सचिंद्र वत्स की बहुत अच्छी है एंड ऑफ कोर्स डायरेक्शन. बट आई थिंक बहुत स्लो पेस्ट हो जाती है बीच में. थोड़ा और बांध के रखते तो अच्छा था बट म्यूजिक अच्छा है. ओके आउट ऑफ कितने स्टार्स हैं? 4.5 आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 4. क्योंकि मैं तो हमेशा मानता हूँ कि रेगुलरली हमें न्यू टैलेंट को वेलकम करना चाहिए उनका स्वागत करना चाहिए और सलमान भाई के इस पूरे एफर्ट पर जहां उन्होंने तीसरी बार एक नया कपल लॉन्च किया है मैं इस पूरी कोशिश के लिए और जो पूरी फिल्म बनकर आई है उसके लिए उन्हें 5 स्टार दूंगा. तो मैसेज यही है कि यू नो डोंट लुक गो टूवर्ड्स फिजिकल ब्यूटी. जो आपका थॉट प्रोसेस है वो भी यू नो बहुत इम्पोर्टेंट है. म्यूजिक अच्छा है मूवी का. ओवर यही कहना चाहेंगे कि अच्छी मूवी और अच्छी हो सकती थी. आई थिंक और क्रिएटिव हो सकते थे राइटिंग में क्योंकि दोनों मैंने कहा ना रोमांस बिल्कुल लास्ट में दिखाया तो उस वजह से थोड़ी सी और अच्छी बन सकती थी. आई विल स्टिल गिव 3 स्टार्स.